हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्प्रिट मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी प्रार्थना से, इसी मंतव्य से, इसी मंत्र से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। तो चलिए कार्ड लेते हैं और फिर देखते हैं कि आज क्या माँ आशीर्वाद दे रही है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं, अब देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं कि आज क्या मैसेज आ रहा है। पहला कार्ड है कि आपकी जो सिचुएशन है, आपकी जो हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, कंडीशंस हैं, वो इतनी खराब नहीं है जितनी आपने मान लिया है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे हालात हमारे मान्यता के ऊपर होते हैं। अगर हम मान लें हम बीमार हैं तो हम बीमार हैं, और मान लें यार नहीं बीमारी का क्या है, ये तो आती जाती रहती है, ठीक है अपने काम तो करने, तो फिर बीमारी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। सच कह रही हूँ। तो इतने आपके सर्कमस्टांसेस, आपके सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी आपने मान ली है, अज्यूम कर ली है, ऐसा नहीं है। और आप एक बार पूरी परिस्थिति का फिर अवलोकन करें, फिर दोबारा उसको एक थॉट दें, और जो उसकी सॉल्यूशंस हैं, उसके जो हल हैं, वो आपके इर्द गिर्द ही अवेलेबल हैं। जिस चीज को आप बड़ा भारी मान रहे हैं उसका जो एक हल है, सॉल्यूशन जो अवेलेबल है, वो आपके सराउंडिंग्स में ही है। आप अपने आसपास के हालात को देखिए कि क्या वहां पर कोई आपको अपनी गलती दिख रही है, और अगर गलती दिख रही है तुरंत वहां पर सुधार कीजिए और अपने हालात को अपने फेवर में कर लीजिए। लेकिन इन सब के बीच में आपको शांत रहना होगा, धैर्यवान रहना होगा, और एक माइंड को स्टेबल रखना होगा। ये कंडीशंस जरूर इसके साथ अप्लाई होंगी ही होंगी। अपनी सिचुएशन को, अपने हालात को सुधारने के लिए आपको ये सब करना होगा, करना पड़ेगा नहीं, करना होगा। अब अगला कार्ड क्या कह रहा है? अगला कार्ड तो बहुत प्यारा है। अगला कार्ड है लवर्स का। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपका एनकाउंटर आपके अकॉर्डिंगली, आपके हिसाब से जैसा आप चाहते हैं, उसमें पोटेंशियल हो, उसमें ऐसा गुण हो, वैसे सोलमेट के साथ आप मिलने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंगली पोटेंशियल वाले सोलमेट के साथ आपका एनकाउंटर होने वाला है, मतलब आपकी उससे मुलाकात होने वाली है, उसके साथ आपका मेल होने वाला है। कहीं भी ऑफिस में, पार्क में, मार्केट में, रेस्टोरेंट में, कहीं भी आपसे वो टकरा सकते हैं। तो आप पोटेंशियल सोलमेट जो आपके लिए पोटेंशियल हो, आपके लिए हितकारी हो, आपके लिए फेवरेबल हो, उनके साथ आपका मिलन होने वाला है, एनकाउंटर होने वाला है, मुलाकात होने वाली है।
क्योंकि ये मुलाकात एक लॉन्ग टर्म के कमिटमेंट में भी तब्दील होगी, यानी आपका जिनसे अब आप मिलेंगे वही सोलमेट आपके लाइफ पार्टनर बनने जा रहे हैं। ये संबंध बीच में नहीं ब्रेक करेगा, आपका हार्ट ब्रेक नहीं होगा, आपके लिए ये संबंध शादी में बदलेगा और आप लॉन्ग रन अपनी कमिटमेंट के साथ अपने सोलमेट के साथ सुखद जीवन जिएंगे। इसके बाद अगला कार्ड क्या कह रहा है? देखिए, अब ये तो आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाली स्थिति हो गई और लव मेट भी आपको मिल गई और शादी की कमिटमेंट तक आप पहुंचेंगे। अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप का जो एक क्या कहते हैं अपने वर्क को लेकर और आपके काम को लेकर जो आपका एक डिस्कवरी फेज चल रहा था, आप डिस्कवर कर रहे थे, आप मतलब जानकारी जुटा रहे थे, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे थे, तो वो फेस ऑलमोस्ट आप पूरा कर चुके हैं, लेकिन अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी आप तैयार नहीं हैं। मगर आपको इस प्लान को आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कार्ड्स ऐसा मैसेज दे रहे हैं, कार्ड्स ऐसा, एंजल्स ऐसा मैसेज कन्वे कर रहे हैं आप तक मेरे माध्यम से कि आपको अपना ये प्लान इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इस प्लान को जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप इस अपने प्लान को जैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको विदेश से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि आपका जो भी कारोबार हो, आपका जो भी बिजनेस हो, वो विदेशों से कनेक्टेड हो, फॉरेन से कनेक्टेड हो, तो आपका प्लान को इम्प्लीमेंट करते ही आपको फॉरेन से गेन शुरू हो जाएगा। गो अहेड, अभी आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप को एज अर्ली प्रिपेयर करिए, एज सून एज अर्ली प्रिपेयर करिए और अपने काम को इम्प्लीमेंट करिए और फिर अपना लाइफ को एक पटरी पर लाए, आपको फॉरेन से बेनिफिट होने वाला है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपके अंदर कुछ ऐसी हैबिट्स हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी आपकी आदतें हैं जिनको आप चेंज नहीं कर पा रहे और वही बार बार आपको जितना आप आगे बढ़ते हैं उससे ज़्यादा पीछे धकेल देती हैं। तो आप अपनी उन आदतों को, उन हैबिट्स को ओवरकम करें, उन पे कंट्रोल करें और उन इमोशंस को कंट्रोल करने के बाद अपनी विजडम का इस्तेमाल करते हुए अपने को मैच्योरिटी के साथ, इमोशनली मैच्योरिटी, इमोशनली मैच्योरिटी। वैसे तो आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको इमोशनली बहुत, छोटी सी बात भी आपको काफ़ी बड़ा सेटबैक दे जाती है, तो आप अपनी इस आदत को बदलें और इमोशनली थोड़े से आप मैच्योर हो जाएं। क्योंकि देखिए, आपके इमोशंस का ख्याल आपकी फैमिली के लोग तो रख सकते हैं, आपके इमोशंस का आपके फ्रेंड्स तो ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जहां आप प्रोफेशनली उतरेंगे वहां पर सामने वाला आपका काउंटर पार्ट आपकी इमोशंस को नहीं वो कर पाएगा, क्योंकि जो प्रोफेशनल लाइफ होती है वो हमारी बुद्धिमत्ता से चलती है, हमारी विजडम से चलती है,
इमोशंस से नहीं। हम इमोशंस के आधार पर दूसरे कंपनी के साथ कोई करार नहीं कर सकते हैं, कोई अकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल पाते हुए, अपनी इस इमोशनल जो आपकी आदत है उसके ऊपर कंट्रोल पाते हुए, नियंत्रण करते हुए आप मैच्योर्ड हो करके अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके आगे डिसीजन लेंगे तो वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। क्योंकि विजडम आपकी बहुत अच्छी है, सिर्फ एक इमोशंस ऐसी है जो आप डामाडोल हो जाते हैं। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जो गोल आपने सेट किया है अपने लिए, आप उस गोल को अचीव करने के काफी नजदीक हैं, काफी नजदीक है, मगर यह भी मगर मगर आपको अपनी जो आपने रिसिस्ट कर रखा उसे छोड़ दीजिए और अपने जो आपकी फ्लो है, वो चाहे एनर्जी का फ्लो हो, आपके वाइब्रेशंस का फ्लो हो, आपके काम करने की स्पीड का फ्लो हो, आपका फाइनेंशियल फ्लो हो, उस फ्लो के साथ, उस धारा के साथ, अपनी फ्लो को यूनिवर्स के साथ ताल से ताल मिला करके आप काम को करें, अपने फ्लो को यूनिवर्स तक फैलाएं। और जब आप अपने फ्लो को यूनिवर्स तक फैलाएंगे तो क्या होगा, आपको यूनिवर्स की एनर्जी पकड़ने में सहायता मिलेगी, लोगों तक अपने उस फ्लो को पहुंचाने में हेल्प मिलेगी। तो आप अपने उस फ्लो को जो आपके पास इस समय आ रहा है और आप अपने गोल के बहुत क्लोज जा रहे हैं, तो उसमें आप क्या करें कि जो आपका ये डिवाइन टाइम शुरू हो रहा है, ये जो आपका डिवाइन पीरियड शुरू हो रहा है, इसमें अपने गोल को मैनिफेस्ट भी आप कर सकते हैं। क्योंकि आप अपने गोल के नज़दीक तो हैं, लेकिन जो थोड़ी सी अड़चन आ रही है उसके लिए आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और मैनिफेस्टेशन और आपके गोल के करीब होना और आपका फिर मैनिफेस्ट करना, जब ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो आपका काम तो बनता ही चला जाएगा। करिए, ज़रूर करिए, मेरे कहने से करिए, मेरे कहने से करिए। इसके बाद मैं आगे की रीडिंग करूं, उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं। मेरा दूसरा एक यूट्यूब चैनल है, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री, उसको भी आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो हम उसमें अध्यात्म की चर्चा करते हैं, और अध्यात्म की चर्चा मैं बहुत सिंप्लीफाई करती हूँ, मुश्किल को भी सिंप्लीफाई करके ही आप तक पहुँचाती हूँ, ताकि गुरुकुल तो है नहीं, संस्कृत का अध्ययन है नहीं, शास्त्रों का अध्ययन है नहीं, तो अगर मैं कठिन बोलूँगी तो वो बात नहीं बनेगी। तो मैं बड़ा सिंप्लीफाई करके अध्यात्म को आप तक पहुँचाती हूँ, तो उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और उसका बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और अपने ग्रुप्स में, अपने मित्रों में भी उसको शेयर करिए, ताकि मेरी वाणी जितनी दूर तक जाएगी उतना लोगों को लाभ होगा। क्योंकि हम अपनी बात को सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं। हरिओम नारायण हरि। अब आगे क्या, अब आगे ये, अब अगला ये कार्ड बता रहा है कि आपने अगर थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को बदला, थोड़ा सा अपने मोड ऑफ अप्रेंडी को चेंज किया, तो एक बहुत बड़ा फेवरेबल चेंज, एक बहुत बड़ा फेवरेबल चेंज आपकी लाइफ में दस्तक दे रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है। लेकिन कुछ आपको बदलना होगा, कुछ सामने वाले को बदलना होगा, तो
ये बिग चेंज आप दोनों के हाथ मिलाने से स्वतः हो जाएगा, घटना स्वतः घटेगी, घटना स्वतः घटने से आपको ज्ञात भी नहीं होगा कि अरे इतनी बड़ी बात हो गई, इतनी बड़ी बात हो गई। तो जिस समय का आप लॉन्ग समय से, जिस समय का आप बड़े लॉन्ग टाइम से, वो लॉन्ग पीरियड से इंतजार कर रहे थे, बस वो आपके डोर पे नॉक करने ही वाला है, आपके समक्ष उपस्थित वो परिस्थिति होने ही वाली है। गो अहेड, अपने माइंड को काम रखिएगा, अपने आप को और अपनी इमोशंस को मैच्योर रखिएगा, बीच में कहीं इमोशंस को ला करके अपनी विजडम को खराब मत करिएगा। विजडम को ज़्यादा हावी रखिएगा, इमोशंस को थोड़ा स्प्रेस करिएगा। इसके बाद अगला कार्य कह रहा है, आपकी जिंदगी में जो ये एक फेवरेबल डिवाइन टाइम आ रहा है, ये जो आपकी लाइफ में फेवरेबल डिवाइन मोमेंट्स आ रहे हैं, इनको सीज करके रखिएगा अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बड़े मेमोरेबल मोमेंट्स आपकी लाइफ के होंगे जो आप अपने इस जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। बड़ा अच्छा डिवाइन टाइम आ रहा है, गो अहेड, गो अहेड। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, बड़ा अपने आप को शांत करके, काम करके और बड़ी अच्छे लेवल पे अपने माइंड को रख करके आप इवेल्युएट करें अपनी परिस्थिति को, क्या पाया, क्या खोया और कहां मुझे जाना है। क्या पाया, क्या खोया और कहां मैंने जाना है, मीन्स कौन सा गोल अचीव करना है, इसको बड़ी शांति के साथ बैठ करके एक बार अपने अंदर रिव्यू करिएगा, अपना अंतर अवलोकन करिएगा, ताकि जो आप कर रहे हैं उसमें अगर कोई कमी पेशी है, तो उसको आप कवर कर सकें, उस कमी पेशी को पूरा कर सकें। तो आप एक बार अपने कुछ समय पास्ट में किए गए काम को एक बार रिव्यू जो करिएगा, और इससे क्या होगा कि आपको आने वाले आगे समय में पॉजिटिव डिसीजंस लेने में सहायता मिलेगी। पॉजिटिव डिसीजंस लेने में आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा आपका ये रिव्यू। और बॉटम ऑफ द डेक, तो जब मैंने देखा था, मैंने उस समय कोई एक्सप्रेशन नहीं दिया, लेकिन वो कार्ड तो व्हील ऑफ फॉर्चून का है, आपके बढ़िया भविष्य को बता रहा है, आपके स्काई हाई सक्सेस को बता रहा है, आप स्काई हाई सक्सेस के तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। गो अहेड, मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है, करिए, चलिए अपने काम में करिए। बहुत अच्छी रीडिंग आई है आज की, बहुत अच्छी रीडिंग आई है, ऐसी रीडिंग बहुत कम आती है, लेकिन आज की रीडिंग बहुत अच्छी आई है। और ये आज की वीडियो जितनी आपके साथ रेजोनेट करे, आज की रीडिंग उतनी लीजिएगा, और जो रेजोनेट आपके साथ ना करेगा, क्योंकि सबके साथ तो सब चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, जिसके साथ जितना रेजोनेट करे वो उतना ले, और जो ना करे उसको छोड़ दे आप। और अगर आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर वैसे तो डिस्क्रिप्शन में होता है, लेकिन मैं फिर यहाँ भी आपको बता रही हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8295650369, और ये केवल मैसेज के लिए है, कॉल के लिए नहीं है, क्योंकि कॉल हम नहीं ले पाते हैं ड्यू टू बिजनेस, बहुत बिजी रहती हूँ तो मैं वो नहीं ले पाती हूँ। आप मैसेज करें, मैं पढ़ूँ या कोई और पढ़े आपका मैसेज, और आपका उसको जरूर विचार किया जाएगा। हरिओम नारायण हरिओम।